हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और भाई मेरे चेहरे की खुशी से आप पता लगा सकते हो कि मैं इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा हूँ। मतलब ये गाड़ी मेरी उस लिस्ट में से एक थी कि भाई जिस दिन से मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट करी है ना, तो मैं सोच रहा था कि कहीं ना कहीं गाड़ी मिल जाए, बेशक वीडियो ना बने बट एक बार केबिन एक्सपीरियंस इसका हो जाए। कि लोग कहते हैं भाई बहुत रिच है, बहुत रिच है, बहुत रिच है, तो वो कैसे है, क्या है। और लिटरली बता रहा हूँ भाई, आज केबिन के अंदर बैठा हूँ मैं इस गाड़ी के सेगमेंट में, लिटरली कोई दूसरी गाड़ी नहीं है जो इसका केबिन थीम मैच कर सके। क्या नेक्स्ट लेवल लग्जरी है, मतलब ऐसे ऐसे फीचर्स हैं कि आपको मजा आ जाएगा बैठते के साथ ही, कि गाड़ी अपने आप याद दिला देगी आपको कि ये था, आपने ध्यान दिया नहीं। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं इसके अंदर। और भाई साहब क्या नेक्स्ट लेवल फील हो रही है ये, जिसके लिए बंदा एक्स्ट्रा पैसे देता है भाई, रूफ वगैरह ब्लैक ब्लैक के लिए ये इसके अंदर आती है। बताओ तो ये है अल्टुरस G4, ये इसका 4x4 ऑटोमेटिक वेरियंट वाला एक ही वेरिएंट आता है इसका। इसकी एक शोरूम कीमत की बात करें तो ये 31,78,000 एक शोरूम पड़ती है आपको दिल्ली में, और ऑन रोड मेरे हिसाब से जाएगी 37 या 38 लाख के आसपास। एग्जैक्ट स्क्रीन पे डाल दूंगा आपके पे कि ये कितने की पड़ती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना वीडियो पर, आगे भी शेयर करना। और इस गाड़ी के शॉर्ट्स रील वगैरह देखने के लिए आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और जो चैनल का नाम है उस नाम से अगर आप सर्च करोगे तो उस नाम से मेरा ही आएगा निकल के। तो अभी गाड़ी की चाबी स्टार्ट करते हैं कि आपको ऑफर क्या क्या कर देती है अल्टुरस G4। कुछ इस तरीके की चाबी मिलती है आपको अल्टुरस G4 की, और क्या मेटेलिक फील के साथ, क्या प्रीमियम फील होती है भाई ये। आज भी ऐसी आती है और मतलब सबसे अलग चाबी मिलती है इसको। आपने देखा होगा महिंद्रा की ऑलमोस्ट सभी गाड़ियों की चाबी अब सेम हो चुकी हैं, बट इसकी अलग मिलती है आज भी आपको। यहाँ पे महिंद्रा का लोगो है, फिजिकल की है, यहाँ पे डोर्स को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन है, और यहाँ से अपने बूट आप अनलॉक नहीं पूरा खोल ही सकते हो। तो ये उस सेगमेंट की गाड़ी है। कीलेस एंट्री मिलती है तो आप रख सकते हो चाबी को जस्ट ऐसे साइड में। यहाँ पे मिलती है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, जैसे आप एक बार प्रेस करोगे स्टेयरिंग व्हील अपना अनलॉक हो जाता है। ये इन्फोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे ऑन हो जाता है और यहाँ पे आ जाता है, एक बार ब्रेक को प्रेस करके और दबाएं बटन तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, बट हमें करनी नहीं है तो मैं बटन दबा देता हूँ। आप देख रहे हैं किस तरीके से ऑन होता है, ये देखो भाई प्रॉपर गाड़ी बन के आती है और एकदम डार्क थीम में रहता है पूरा क्लस्टर यहाँ पे। और जैसे ही आप ऑन करोगे कहाँ कहाँ से लाइट चल जाएगी आपको पता नहीं चलेगी, इवन यहाँ इन बटन्स के अंदर भी लाइट ग्लो करने लग जाती है, और बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे लाइट आपको एकदम से ग्लो अप होती दिखेगी, तो मज़ा आ जाएगा देख के केबिन को। तो यहाँ पे आपको देखो क्या मिलता है, 6000 तक की RPM है, 240 की टॉप स्पीड मार्किंग है। ये पूरा डिजिटल कॉकपिट यहाँ पे मिलता है, जैसे आप देख सकते हो पी, क्योंकि ये पार्किंग मोड पे है अभी। यहाँ पे टेम्परेचर, फ्यूल, तो ये जो तीन और चार ऑप्शन आप देख रहे हो ऊपर की साइड, जहाँ पे अल्टुरस बन के आ रही है, एक मीटर बन के आ रहा है, ये मतलब एक रेडियो बन के आ रहा है, और ये सेटिंग, तो ये चार चीज़ें अलग अलग चीज़ों के लिए। यहाँ से आप गाड़ी की जितनी चीज़ें हो चेक कर सकते हो, यहाँ से अपने जितने ये मीटर वगैरह हैं सेट रीसेट कर सकते हो, ये अपने इन्फोटेनमेंट के लिए और ये सेटिंग्स के लिए। ये इमरजेंसी लाइट यहाँ पे ब्लिंक करती रहती है, तो ये बहुत रिच सेगमेंट की गाड़ी है, तो आप इससे जो जो चीज़ें उम्मीद करोगे होनी चाहिए तो आपको मिल जाती हैं। और इस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी आती है और बंदे फिर भी इसकी तरफ नहीं ध्यान देते हैं भाई, क्यों। मैं तो केबिन देख के पागल हो गया भाई अभी इसका। और यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके के मिलते हैं हेडलैम्प्स के कंट्रोल, इंडिकेटर्स कंट्रोल, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आते हैं, और इसके अंदर भी अपोजिट दिए हुए हैं भाई, बताओ लेफ्ट हैंड पे दिए हुए हैं। और राइट साइड पे अपने मिलते हैं वाइपर्स के कंट्रोल कुछ इस तरीके के। और अभी स्टेयरिंग की बात करें तो ये देखो भाई कुछ इस तरीके का मिलता है, एक मल्टी फंक्शन एकदम सुपर रिच स्टेयरिंग व्हील। मतलब कि महिंद्रा की जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं उनकी स्टिचिंग देख लेना आप और इसकी स्टिचिंग देख लेना आप, मतलब एक रिचनेस फील होगी आपको कि हाँ भाई इस गाड़ी पर जो अलग जो ध्यान दिया गया, टचअप दिए गए हैं, वो अलग फील होते हैं लिटरली। तो यह है कुछ स्टेयरिंग व्हील, यहाँ पे महिंद्रा का लोगो है, एयरबैग की बैजिंग है, यहाँ पे अपने कंट्रोल्स मिल जाते हैं इस चीज़ के, आई थिंक सो, जी हाँ
तो यहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे अपना क्रूज कंट्रोल मिल जाता है और अपने इसके कंट्रोल्स मिल जाते हैं, देखो जो मैं बता रहा था। तो यहाँ से आप कर सकते हो, पूरी चीज़ें चेंज हो जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अभी ऐसे एक एक करके बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, इसकी एक पर्टिकुलर वीडियो आपको बता दूंगा मैं, मतलब बना के दिखा दूंगा। और यहाँ से करें इसके एडजस्टमेंट की बात, तो टिल्ट है एंड टेलीस्कोपिक है, तो ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है भाई इतनी महंगी गाड़ी के अंदर, तो ये मिल जाती है आपको। और इधर की साइड आपको कंट्रोल्स मिलते हैं, लाइट लेवलिंग डायल मिल जाता है आपका, ये है ट्रैक्शन कंट्रोल वाली बटन है, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स की बटन है, यहाँ से हिल डिसेंट कंट्रोल की बटन है, बूट यहीं से आप खोल सकते हो, और कैमरा की बटन है आई थिंक, इससे 360 डिग्री कैमरा इसका ऑन हो जाएगा। जी हाँ, ये व्यू की बटन है, तो इसे आप बंद कर सकते हो कुछ इस तरीके से। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर आपका ध्यान ऐसे जाएगा जब जब आप इसे यूज़ करोगे, जैसे कि मैं ये दरवाज़ा खोलता हूँ तो सीट पीछे चली जाती है, वेलकम फीचर तौर पे पीछे चली जाती है, मुझे मतलब बाहर निकलने में आसानी रहेगी, बंद कर दूंगा तो अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। और जितनी बार आप दरवाजा खोलेगा और जो भी दरवाजा खोलेगा उसके नीचे की फुटेल लाइट जल जाती है, मतलब ये खोलूंगा तो इसके नीचे की जलेगी, वो खोलूंगा तो उसके नीचे की जलेगी, ऐसा नहीं कि पूरी जल जाती है। तो छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया गया, फिर भी बंदे पता नहीं क्यों यार, पता नहीं क्यों स्किप करते हैं। एक बार केबिन एक्सपीरियंस तो करो इसका, मजा आ जाएगा देख के ही। और डैशबोर्ड दिखाता हूँ एक सेकंड में, यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे वैनिटी मिरर मिलता है आपको, येलो कलर की लाइट मिलती है जो कि अपने आप बंद हो जाती है, तो ये चीज़ ठीक है यहाँ पे। और इधर की साइड व्हाइट लाइट्स आपको मिलती हैं कुछ इस तरीके की, ये देखो यहाँ पे सनग्लास होल्डर की प्लेसमेंट है, यहाँ से आप ब्राइटनेस कम ज़्यादा भी कर सकते हो। और यहाँ पे सनरूफ के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं कुछ इस तरीके के, तो ये है पूरा सीन यहाँ पे। और अब देखो डैशबोर्ड, मतलब जैसा ये वीडियो में दिख रहा है ना, जैसा दिख रहा है वीडियो में, ये उतना ही रिच भी है भाई, ये लेदर ही लेदर है, ये पूरा वुडन ही वुडन है, ऊपर की साइड से ब्लैक, यहाँ सब बूफर की प्लेसमेंट है, ये अपने मैनुअल डिमिंग IRVM मिलता है, ये टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है यहाँ पे, जो कि मतलब आप पता ही है उसमें एंड्रॉइड और एप्पल कार प्ले वाली तो मैं बात नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें देखो भाई, क्या छोटी छोटी चीज़ों पर क्या ध्यान दिया, ये टिक 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 की आवाज़ देखो, मतलब ये डायल्स तक इवन आप चेक करोगे ना, ये भी इतने प्रीमियम फील होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे एल्युमिनियम फिनिश दी हुई है, बिल्कुल कहीं से भी मतलब लगती नहीं है कि भाई चीप है, एकदम ऐसी सुपर कंफर्टेबल गाड़ी लगती है। पर बंदे क्यों इसको अवॉइड करते हैं, ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आ रही है। यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिल जाती हैं आगे वाली दोनों, और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको मिलता है जी एक 12 का चार्जिंग सॉकेट। और इस चीज़ पे भी देखो भाई क्या गजब ध्यान दिया है, छोटी छोटी चीज़ें का टचअप। यहाँ पे एक USB पोर्ट है, ऑक्स के लिए पोर्ट है, और आई थिंक ये एक 12 का चार्जिंग सॉकेट है, जी हाँ। और यहाँ पे थोड़ी स्पेस मिल जाती है जिसे आई थिंक आप निकाल भी सकते हो जिस तरीके से, तो ये सही है, मतलब कुछ इकट्ठा हो जाए यहाँ पे तो आप सिंपली से निकाल के साफ कर सकते हो। यहाँ आता है ऑटोमेटिक गियर लिवर कुछ इस तरीके का, और इसके ऊपर भी आप ये चीज़ें देख सकते हो, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इतनी प्रीमियम फील होती हैं। और यहाँ पे मिलता है ऑटोमेटिक गियर लिवर, और इसके ऊपर भी आप देख सकते हो क्या स्मूथ काम किया हुआ है, ये अपने PRNDM के यहाँ पे कंट्रोल्स मिलते हैं, ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक है, ऑटो होल्ड वाली बटन यहाँ पे मिल जाती है, दो कप होल्डर्स मिलते हैं रबराइज, और इसके अंदर तो भाई भर भर के स्पेस मिलती है। और ये छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देखो भाई, अब यहाँ पर आपकी नज़र तो जाएगी नहीं, बट फिर भी ये थोड़ा मेटेलिक फील में दे हुआ है, देखो यार मतलब कदर ही नहीं है ना सही चीज़ों की, तो फिर वो ही चीज़ होती है। यहाँ पे स्टिचिंग वगैरह आप देख सकते हो, सही कॉन्ट्रास्ट देते हैं सीट्स के साथ, और इतनी कंफर्टेबल सीट्स हैं ये आप देख सकते हो, इनकी पोस्टिंग वगैरह इतनी कंफर्टेबल सीट्स हैं, काफ़ी मतलब एकदम यहाँ से बोनट व्यू मिलता है क्लियर एकदम, तो मज़ा आ जाता है लिटरली। मेरे पास पैसे हो तो लिटरली ले लूँगा, ड्रीम कार बेसक चाहे कोई भी हो, बट मज़ेदार है यार ये, मज़ेदार। और रोड पर भी अपना ऐसा रहता है ना, रोड बड़ा हो कैसा ही रोड हो तो वहाँ पे रोड प्रेजेंस इतनी दिखती नहीं, पर जब अकेले में गाड़ी खड़ी दिखती है ना तब पता चलता है कि भाई ये तो बहुत बढ़िया है यार, तो वो चीज़ फील होती है। और यहाँ पे मिलता है अपना ग्लो बॉक्स जो कि इल्यूमिनेशन के साथ मिलेगा कुछ इस तरीके से, और काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पे मिल जाता है। और भाई ये देखना यहाँ से यहाँ तक पूरा, क्या कैसे एक्सप्लेन करूँ भाई आपको, ये केबिन आप एक्सपीरियंस करो अगर आप प्लान कर रहे हो ना सेगमेंट में, फिर बात करेंगे। तो अभी पीछे चलते हैं, पीछे के स्पेसिंग की बात करते हैं, और फिर बूट कैप से लास्ट में बाहर की प्रोफाइल एंड अपना इंजन कंपार्टमेंट वगैरह देखेंगे। और ये देखो भाई जैसे मैं निकलूंगा यहाँ से तो यहाँ पे अल्ट्रोस बन के आती है प्रॉपर सही तरीके से, और ये मैं दिखाना भूल गया, देखो एम्बिएंट लाइट मिलती है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मस्त, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं यार, बताओ आप कहाँ पैसे इन्वेस्ट करते हो अपने, समझ से बाहर। ये लेदर मिलता है प्रॉपर, ये देख सकते हो आप, ये पूरा सॉफ्ट टच लेदर है और स्टिचिंग वगैरह दी हुई है प्रॉपर, अब बताओ बिल्कुल मर्सिडीज़ है महिंद्रा की, मतलब बिल्कुल एकदम उस लेवल की गाड़ी है, हर चीज़ फील होती है। अभी चलते हैं पीछे, उससे पहले अब ये डोर पैनल दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखो डोर पैनल, और उससे पहले देख लो, ये मैंने दरवाज़ा खुला है तो इसके नीचे ही लाइट जली है, यहाँ पर अपने इल्यूमिनेटर्स कप प्लेट्स मिलती हैं, और ये देखो डोर पैनल
क्या नेक्स्ट लेवल रिच फील होता है। ये पूरा लेदर ही लेदर मिलता है यहाँ पे, पूरा लेदर ही लेदर है यहाँ पे। ये देखो बिल्कुल ब्रश्ड एल्युमिनियम फील देता है ये। यहाँ ट्विटर्स की प्लेसमेंट है, 3 मेमोरी सीट्स मिलती हैं, यहाँ से आप इन्हें सेट कर सकते हो, ऑटो पे भी छोड़ सकते हो। स्पीकर की प्लेसमेंट है, बोतल होल्डर हैं, 2 आ जाएंगे इजीली। और यहाँ पे अपनी चारों पार विंडोज़ मिलते हैं, और इनकी फिनिशिंग देखो आप, चारों पार विंडोज़ अपना 1 टच अप डाउन मिलती हैं। डोर्स के लॉक हैं, विंडोज़ के लॉक हैं, यहाँ से आप अपने ओआरएम्स को फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो सिंपल कुछ इस तरीके से, और यहाँ से अपने एडजस्ट भी कर सकते हो। और इसे हम एक सेकेंड बंद कर लेते हैं। तो ऐसे आवाज़ भी करती है ये दिखा रहा था आपको। और ये नीचे एक साइड यहाँ पे ये बल्ब भी मिलता है इल्यूमिनेटेड। और एक चीज़ आपको जो अलग चीज़ दिखेगी वो ये है कि इसके डोर पैनल जो है वो बिल्कुल नीचे तक जाते हैं। मतलब अगर गाड़ी मड में चलती है, कहीं पे भी चलती है, तो आप जितनी बार भी चढ़ोगे उतरोगे, जितनी बार आपका पैर यहाँ टच होता है, तो ये चीज़ आपकी गंदी नहीं होगी, बाहर से ये डोर पैनल गंदा हो जाएगा। और ये देखो इलेक्ट्रिकल एडजस्टेड सीट आपको मिलती है। और मैं दरवाज़ा लगाऊंगा तो अपने आप ही उस सिचुएशन पर चली जाएगी जहाँ पर मैं इसका मतलब बंद होने के बाद होनी चाहिए, और जैसे खोलूंगा तो पीछे चली जाएगी और फिर बंद करते साथ ही फिर मेरी एडजस्टेड पोजीशन पे आ जाएगी। और अभी आपको पीछे की स्पेस दिखा देता हूँ, तो लुक एट दिस। और उससे पहले ये देख लो डोर पैनल, यहाँ पे सेम वही नाइस फिनिशिंग में अपना डोर लिवर, स्पीकर प्लेसमेंट, बोतल होल्डर, थोड़ी स्पेस और मिल जाती है, ये पूरा लेदर ही लेदर मिलता है, स्टिचिंग वगैरह मिल जाती है यहाँ पे। पावर विंडो की कंट्रोल देखो क्या मस्त, पूरा ग्लॉसी पैनल मिलता है यहाँ पे। और ये सीट पूरी 64T का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है आपको, मतलब इन दोनों सीट्स में, एयरबैग की बैजिंग में मिलती है। और अब भी अंदर यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिलता है, और अभी अंदर चल के दिखाता हूँ आपको केबिन थीम इसका। तो ये देख लो पीछे से कुछ इतनी स्पेस मिलती है, 5 नंबर मेरी हाइट है, और ये आगे पीछे एडजस्ट भी हो जाती है सीट। और यहाँ पे मिलते हैं 2 रेयर एसी वेंट्स कुछ इस तरीके के। यहाँ पे एक यूएसबी पोर्ट मिलता है चार्जिंग के लिए, एक 12 का चार्जिंग सॉकेट है, और एक मिनिमल सा हम पे। बाकी यहाँ पे 3 बंदों को बैठने में कोई परेशानी नहीं होगी, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग सीट्स हैं भाई, मतलब लेदर की क्वालिटी है ना वो टॉप नॉच है। और यहाँ पे मिलता है अपना आर्म रेस्ट, जिसमें आपको आई थिंक, जी हाँ, 2 कप होल्डर्स मिलते हैं कुछ इस तरीके के, जो अंदर चले जाते हैं बिल्कुल। इसके अंदर फील हो रही है भाई हर चीज़, मतलब वज़न है हर चीज़ के अंदर। यहाँ पे पॉकेट्स मिल जाती हैं दोनों ही सीट्स पे। और ये देख लो कुछ ऐसा लगता है डैशबोर्ड का व्यू पीछे से, काफ़ी ज़्यादा शानदार। सनरूफ मिलती है, वाइट लाइट मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। ऊपर का जितना भी हेडलाइनर आप देख रहे हो ब्लैक मिलता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ग्रैब हैंडल्स मिलता है। और यहाँ पे भी एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है, और यहाँ पे कोट वगैरह हैंग करने के लिए हुक्स मिल जाते हैं आपको दोनों ही साइड। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 एडजस्टेड हेडरेस्ट मिलता है, और पीछे वाली सीट रिक्लाइन हुई पड़ी है, देखो पूरा स्पेस आप यूज़ कर सकते हो शानदार तरीके से, ये है। और अब भी आपको इसका बूट दिखा देता हूँ पीछे की साइड चल के। और इसमें भी नीचे अपने यही मिलती है रिफ्लेक्टर्स, मतलब लाइट के साथ। तो अब इसका बूट दिखाता हूँ। तो ये उस सेगमेंट की गाड़ी है जहाँ पे बंदों को वो वाली चीज़ चाहिए होती है कि भाई हम कहीं पे भी खड़े हों, दरवाज़ा खोलना हो तो सिंपली चाबी ऐसे प्रेस करें और अपना बूट खुल जाए। तो ये चीज़ इसमें आपको मिलती है, और काफ़ी स्मूथली ऊपर हो जाता है। इलेक्ट्रिकल टेलगेट मिलता है, और ये मिलती है कुछ ऐसी बूट कैपेसिटी, मतलब अगर आपको सीट्स नहीं चाहिए तो पूरी फ्लैट सरफेस बन जाती है, और इसके नीचे भी थोड़ी स्पेस और मिल जाती है। यहाँ पे अपने एसी वेंट्स मिलते हैं पीछे भी, कुछ इस तरीके के एसी कंट्रोल्स मिल जाते हैं, 12 का चार्जिंग सॉकेट मिलता है पीछे वाले बंदों के लिए, और थोड़ी स्पेस एसी यहाँ पे मिल जाती है। तो अभी मुझे तो पीछे बैठना नहीं है इसमें, तो मैं आपको सिर्फ बूट कैपेसिटी दिखा रहा हूँ, ये है। और पीछे भी एयरबैग्स मिलते हैं आपको इसमें, सीट बेल्ट्स मिल जाती हैं, और स्पेयर व्हील वगैरह जो है वो गाड़ी के नीचे ही मिलता है आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे नहीं मिलता है। तो अब ये खुल तो गया, तो अब बात आती है इसे बंद करने की। तो जैसा कि ये खुला है वैसे हमें हवा जी भी करनी है भाई कि बंद हो जाए, तो सिंपल इसे आप रखोगे ऐसे, ये बंद हो जाएगा सिंपल, इसमें भी कोई एफर्ट वाला काम नहीं है। और अभी बात करते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल से कि ये फ्रंट से आपको क्या क्या ऑफर करती है। सो अब इस इतनी ह्यूज कार के फ्रंट प्रोफाइल की स्टार्टिंग करें कि ये आपको ऑफर क्या क्या कर देती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई मतलब देख के इसके साइज़ वगैरह से आप आइडिया लगा लो कितनी बड़ी है, फिर भी इसके डायमेंशन आप स्क्रीन पे देख लेना कितनी लंबी ऊंची चौड़ी है ये। और फ्रंट से यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ पे अपने इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट है, एलईडी बेस, ये डुअल चैम्बर हेडलैम्प्स हैं, प्रोजेक्टर प्लस हैलोजन, और यहाँ पे एलईडी बेस डीआरएल्स मिलती हैं। फ्रंट में 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं आपको, 1, 2, 3 और चौथा ऐसा ही इसी जगह पर मिलता है, दूसरी साइड नंबर प्लेट की प्लेसमेंट है। और सामने से ये मिलती है कुछ, मतलब ब्लैक के ऊपर जो सर्टन यूज़ किया है ना क्रोम का, वो अलग से हाईलाइट होता है, जैसे कि ये क्रोम टीट्स मिलते हैं इसको बहुत ज़्यादा शानदार। ये ऊपर की तरफ से हेड मिलता है क्रोम का पूरा। यहाँ पे एक कैमरा की प्लेसमेंट मिल जाती है, 360 डिग्री कैमरा आता है गाड़ी के अंदर, ये है।
और साइड सेक्शन में आए तो यहाँ पे आपको हैंकॉक के टायर देखने के मिलते हैं। और इसके टायर सेक्शन की बात करें तो 255, 60 और 18 के कुछ ऐसे मिलते हैं मशीन कटर अलॉय व्हील्स, जहाँ पे आगे पीछे अपने अपना डिस्क ब्रेक ही आपको ऑफर होते हैं, मतलब आगे भी डिस्क मिलेंगे पीछे भी डिस्क मिलेंगे। महिंद्रा का लोगो है यहाँ पे, बॉडी कलर ORM सिंडिकेटर्स, एंड यहाँ पे एक और कैमरा की प्लेसमेंट मिल जाती है। दोनों ही साइड रिक्वेस्ट सेंसर आते हैं तो, और ये ब्लैक के ऊपर जो क्रोम्स की मैं बात कर रहा था, जैसे कि इसके ऊपर थोड़ा मिलता है यहाँ पे, ये ग्लास एरिया के चारों तरफ मिल जाता है, बहुत ज़्यादा शानदार लगता है ये। यहाँ सड़ जाएगा गाड़ी में डीजल। और यहाँ मिलते हैं LED बेस अपना टेल लैंप्स, मतलब ये LED है, ये दो चीज़ें हैलोजन मिलती हैं, बाकी ये पूरा ऊपर का जो पार्ट है ये LED मिलता है। ऊपर रूफ रिल्स मिलती हैं, सनरूफ भी आती है, नॉर्मल से कैंटीन की प्लेसमेंट है, स्टॉप लैंप है, डिफॉगर है, वाइपर है, महिंद्रा का लोगो और एक क्रोम की क्लाइन मिलती है। यहीं पर मिलता है रिवर्स कैमरा, नंबर प्लेट की प्लेसमेंट, और ये भी अपना लाइट्स मिलती है यहाँ पे, और ये भी पूरा क्रोम की लाइनिंग्स मिलती है, मतलब कुछ कुछ क्रोम का इस्तेमाल किया है जो ब्लैक के ऊपर मतलब निकल के ऊपर के सामने आता है। यहाँ पे भी चार पार्किंग सेंसर्स हैं, 1, 2, 3 और 4, और ये है जी अल्टुरा G4, मतलब कसम से बता रहा हूँ भाई, सेगमेंट में इतनी रिच गाड़ी में आज मैं पहली बार ही बैठा हूँ। मतलब फॉर्च्यूनर वगैरह आती हैं बट वो वैसे भी थोड़ी ओवर प्राइज्ड लगती है, और केबिन वगैरह को इससे कंपेयर करें तो फिर तो भाई इसके तो आसपास भी नहीं है केबिन उसका, वो ठीक है अपनी जगह पर बट भाई ये तो नेक्स्ट लेवल है। और प्राइस देखो इसका, ऑन रोड 40 लाख की भी नहीं पड़ती आपको ये, कैश अगर लेते हो तो बताओ, और ये क्या क्या ऑफ़र करती है और वो क्या ऑफ़र करती है, तो ये है। और अभी इंजन कंपार्टमेंट दिखा देता हूँ आपको इस गाड़ी का, तो ये खुला हुआ है अभी दिखाई देता हूँ साथ के साथ ही। तो रिचनेस की हम बात कर रहे हैं तो एक सहूलियत और मिलते हैं यहाँ पे हाइड्रोलिक स्टड्स मिलते हैं, फॉर्चुनर के अंदर नहीं आते हैं भाई, इतनी बड़ी गाड़ी है उसका बोनट खोल नहीं सकता कोई बंदा अगर थोड़ी हाइट कम हो तो, और वजन इतना उसके अंदर, तो यहाँ सहूलियत मिलती है, यहाँ पे हाइड्रोलिक स्टड्स मिलते हैं। और यहाँ पे मिलता है 2.2 लीटर का डीजल इंजन, 178 BHP, 420 Nm का टॉर्क, और 70 लीटर का फ्यूल टैंक आता है जिसमें अपना 10 से 12 के बीच की माइलेज, मतलब आप मान के चलो ऑटोमेटिक है डीजल में और इतना बड़ा इंजन है, SUV काफ़ी बड़ी प्रोफाइल मिलती है, तो टोटली अपने ड्राइविंग पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या माइलेज निकालेगा। बाकी इंजन कंपार्टमेंट आपके सामने है और जिस तरीके से खुलता है, और एक चीज़ और, यहाँ पे इंसुलेशन पैडिंग भी मिलती है आपको, और जिस तरीके से खुलता है उस तरीके से सिंपली बंद भी हो जाता है बिना किसी एफर्ट के, ये लग गया सिंपल। तो ये है, और कैसी लगी वीडियो आप बताना कमेंट्स में, कुछ चीज़ रहेगी हो तो कमेंट्स में पूछ लेना, फिर इंस्टाग्राम पे आके आप पूछ सकते हो, वहाँ पे थोड़ा जल्दी रिप्लाई आपको मिल जाएगा क्योंकि वहाँ पे अभी भाई के फॉलोवर ही कुछ नहीं है, तो वहाँ पे आपको रिप्लाई जल्दी मिल जाएगा। तो कैसी लगी वीडियो बताना कमेंट्स में, अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हम फिर मिलते हैं किस वीडियो में। भाई क्या बड़ी गाड़ी है, प्लीज़ चेकआउट, मिलते हैं फिर हम, बाय बाय।